तुझना प्रेजेंस तेरे मेरे बीच में। यूसुफ के तुम बहुत ही शर्मीले हो लड़कियों के मामले में, क्योंकि इरफान की सुना है, प्लीज होल्ड योर हार्ट्स गर्ल्स, इरफान सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। यूसुफ की अभी तक नहीं हुई है और अब्बू ने कहा है कि पहले बड़े लड़की की शादी होगी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम यूसुफ के हाथ पीले कर दें। तो वर्ल्ड वाइड करोड़ों लड़कियों में से हमने कुछ गर्ल्स यूसुफ के लिए चुनी है। एक फिल्म थी सेवन ब्राइड्स और सेवन ब्रदर्स, हमने चुना है सेवन ब्राइड्स और वन ब्रदर। यूसुफ ध्यान से देखना और प्लीज सिलेक्शन या रिजेक्शन में इरफान तुम्हारी मदद करेगा। तो पहले प्लीज कैंडिडेट्स की लिस्ट हमें दिखाई दी। अमृता राव ये बहुत ही सीधी सादी घरेलू लड़की है, इन्होंने विवाह करके एक फिल्म भी की थी। शादी हुई ना? नहीं नहीं नहीं, फिर एलिजिबल बैचलर गर्ल्स ला रहे हैं यूसुफ के लिए। ऐसा क्या कहते हैं, लड़की दिखने बहुत अच्छी है। यूसुफ कुछ तो बोलो यार, फोटो देख के कुछ तो लड्डू फूटा होगा दिल में। यहाँ पे आ भी सकते हैं शो में, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप हाँ बोले तो सरप्राइज हाँ बोलेंगे मेरे साथ में, देखते तो सही कौन ठीक है। तो सेकंड कैंडिडेट प्लीज। मल्लिका शेरावत इमीडिएटली, सॉरी मल्लिका, थर्ड कैंडिडेट। हम शादी के लिए बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा फैमिली शो है, हम बिल्कुल शादी पे ही जाते हैं। कैटरीना कैफ, वो बड़ा शर्मा रहा है यार यूसुफ। मुंबई शर्मा रहे हो क्या, सलमान रहे हो? लेकिन हाँ बोलने से पहले सोच लेना कि टूटे हुए हाथ पैर से तुम घोड़ी पे चढ़ोगे सिक्योरिटी लैप्सेस, ऐसा उसे कुछ होने नहीं देगा। ये हमारे मगर उनकी तो नहीं है। यूसुफ से मैं पूछ लो यार, इरफान तुम बड़े मम्मी डैडी भी चाहते थे कि अगले आईपीएल में आप दोनों एक टीम में खेले, सही बात। तो ये हो सकता है, वो हमारी बहुत रिस्पेक्टेड मार्किंग है, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। नेक्स्ट ये यूसुफ पार्टी ममता, तो ये तो डेफिनेटली आउट है। मम्मी है, मम्मी ममता उबर रही है। इन आंखों की मस्ती के मैखाने हजारों हैं यूसुफ, डूबना नहीं चाहेंगे उन मैखाने। तो लास्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बता ये तो इनकी फेवरेट है, क्या बात कर रहे हो यूसुफ? ये देखो विद्या का सागर है, ये बिल्कुल सागर, इंडिया का सागर। तो इन अभी तीन हमने इंडिया सागर में पढ़ लेंगे कुछ थोड़ा बहुत। अमृता, कतरीना और विद्या, तीन चॉइसेस आपने सिलेक्ट किए। उसके बाद इरफान तुम्हें क्या लगता है कौन सी बेस्ट सूटेड रहेगी? मुझे लगता है इनमें से वो किसी को शादी नहीं करेंगे, मुझे लगता है सिंपल सी लड़की ढूंढेंगे और शादी करेंगे। ये भी सिंपल लड़की नहीं है? नहीं मैं नहीं कह रहा सिंपल नहीं है, अगर फिल्म लाइन से अगर इनकी शादी होती है तो इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि वो भी बिजी रहेंगे, क्या होता है हमारे भाई साहब भी क्रिकेट में बिजी रहेंगे, मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अनलेस फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि उनको क्रिकेट को करियर छोड़ना पड़े या कुछ, हमारे भाई साहब वो चाहेंगे नहीं, भाई साहब भी चाह रहे हैं लेकिन तुम बीच में बाजी मार के भाई साहब नहीं चाह रहे। सही बात बोल रहे इरफान, तुमने कभी नहीं चाहा कि कभी तुम्हारी एक्ट्रेस, कभी तुम्हारा लिंकअप हुआ नहीं है वैसे एक्ट्रेस के साथ, जो हमें तो नहीं पता है तुम अभी
छुपे रुस्तम हो तो वो हमें नहीं पता, यूसुफ ये है छुपा रुस्तम है। आल्सो बिलीव यू नो बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस विद अदर्स मना कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिनाइड, इट्स नॉट नेसेसरी ट्रू। जैसे यूसुफ और इरफान क्रिकेट फील्ड में ही नहीं स्टूडियो में भी तहलका मचा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लीजिए न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक। एक मैं लड़की बताए वो दोनों यूज कर सकते हैं, लड़कियों को यूज नहीं किया जाता है।